एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। पता नहीं क्या गिरा है, इतनी बड़ी पतंग। अच्छा चलो देखते हैं। वो वहां गिर रहा है, चलो देखते। ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? मैं पूछ रहा हूं, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान? हिंदुस्तान है जनाब। कौन सा इलाका है हिंदुस्तान का? जनाब एकेलान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रुको, दूर रहो, मेरे पास मत आना। पिस्टल नीचे गिराओ। मैंने कहा दूर रहो मुझसे, मैं गोली मार दूंगा। हट जाओ। पकड़ो पकड़ो, भाग रहा है, भाग भाग रहा है, हिंदुस्तानी है, पकड़ो उसको। चलो पकड़ो इसको। अरे अरे सुनो भाईजान। हाँ भाईजान। अभी यहाँ पे कुछ गिरते हुए देखा आपने? हाँ गिरा तो था वहाँ पे कुछ। आप वहाँ पे जाने का रास्ता बता सकते हो? क्या बात करते हो जनाब, यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। अच्छा चलिए मैं ले चलता हूँ। चलो चलो जनाब, चलो।
पिस्टल नीचे गिराओ। छोड़ो इसको, छोड़ो, दूर उठाओ। दूर रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, दूर रहो आप, दूर उठाओ, हट जाओ, हट जाओ, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बोल सकने सुना कल वाला टीवी में जो समाचार था अभिनंदन जी के बारे में? हाँ यार, वो मैंने सुना, वो बहुत ही चिंता का विषय है और देश की मान सम्मान का विषय भी है, देश की इज्जत का विषय भी है। हम भगवान से, वाहेगुरु से, नाज से प्रार्थना करते हैं कि हमारा वो भाई सहकुशल वापस देश आए। जिससे भगवान अभिनंदन दया तो आप अभिनंदन विचार उठे पाकिस्तान में, इसको तो आप सब लोग के लिए दुआ करा भगवानों की वापस जब तो जल्दी वह भारत में आवा। अपना जवान अभिनंदन देखो पाकिस्तान में फंस गया देश के साथ। नाम क्या है तुम्हारा? विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, मैं एक पायलट हूँ, मेरा सर्विस नंबर 27981 है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं भारत का रहने वाला हूँ। भारत में कहाँ से? दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत के किस शहर से? सॉरी सर, मैं इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता आपको। तुम्हारा मजहब क्या है? हिंदू। शादी की है तुमने? हाँ मैंने की है। कौन सा विमान उड़ा रहे थे तुम? सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता। विमान के मलबे से आप अंदाजा लगा लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। तुम्हारा मिशन क्या था? सॉरी मैं आपको ये नहीं बता सकता। चाय पियोगे? चलो ठीक है, खुशामदीद। जनाब इसको इतने महफूज रखने की क्या जरूरत थी? अरे ये हमारी मजबूरी है। मैं तो कहता हूँ जनाब इसे हलाल कर देते हैं। अरे नहीं हलाल कर सकते हम इसको, ये अब हमारे पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है। जनाब बोल देंगे आतंकवादियों के हाथ लग गया था। नहीं ले सकते हम आतंकवादियों का नाम, वीडियो बन चुकी है, हर एक जगह फैल चुकी है वो। अब हम अब कुछ नहीं कर सकते, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। या खुदा इसको छोड़ना पड़ेगा। अब खुदा भी क्या करे इसमें, ये हमारा जमीर गवाह नहीं करता। अरे ऊपर से ऑर्डर आया है, ये अंतर्राष्ट्रीय इशू बन चुका है और हमारे वतन पे आंच आ सकती है। सही कहा जनाब, वतन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तभी तो हम मजबूर हैं, वरना हलाल करना तो मुझे भी आता है, मारने से कुछ नहीं होगा। अरे इसको ना हम दिमागी रूप से परेशान करेंगे और इससे सारी जानकारी लेंगे हम। लगता तो नहीं जनाब ये कुछ बताएगा, ये जानता नहीं है अभी। चलो पूछते हैं। अरे फारूक, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। इसने कुछ बोला? जुबान खोली? नहीं ये अपनी जुबान नहीं खोल रहा है, अपने नाम के अलावा ये कुछ नहीं बोल रहा है।
हम इसको जितनी दिमागी जहमत थी हम दे चुके, लेकिन ये अपनी जुबान नहीं खोल रहे। धन्य है यार वो धरती जिसने ऐसे जाबाजों को जन्म दिया। तुम्हारी देशभक्ति के कायल हो गए हम। सही बोल रहे हो जनाब। और तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि ऊपर से आला कमान का फरमान आ गया है तुम्हें रिहाई करने का। खुश नसीब हो और कल तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। फारूक वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। हाँ जनाब। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर दो, कल चला जाएगा ये। हाँ जनाब, कल इसको पूरे एहतियात के साथ रुखसत कर देंगे। कल पूरी सुरक्षा के साथ इसे अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। ओके ओके। सलाम अलैकुम। जनाब अभिनंदन, आपको रिहाई मुबारक हो। थैंक यू सर। अभिनंदन, आपने देश में लौट आए भाई। बहुत बढ़िया काम हुआ ये, बहुत खुशी की बात। काम ये देश की बड़ी जीत हुई है और खुशी की हुआ आपने।